लच्छीपुर मल्लावा हरदोई में ससुरालियों ने खैरागाड़ा ब्लॉक फतेहपुर चौरासी और निवासी रामचंद्र की बेटी रेनिका की कर दी दर्दनाक हत्या अमर सिंह पुत्र रामचंद्र जो कि मृतिका रेनिका का भाई है उसकी सूचना पर पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा सीएम मल्लावा के संज्ञान लेने पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ मृतका के भाई चाचा और पिता ने उन्हें हड़काकर और मारने की धमकी देकर शांत कराने का प्रयास किया जो कि निंदनीय है मृतका के परिजनों के अनुसार बेटी ससुराल वालों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी है परिजनों के अनुसार मामला रफा दफा करने के लिए ससुरालियों ने मारने के बाद सबको फांसी पर लटका दिया और अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास किया ये जो बच्ची खत्म हुई है तो इसके हैं। आ बहन है। हाँ बहन की बड़ी। तो क्या मामला है कैसे क्या जैसे फोन हम का आज चार पाँच दिन तक फोन नहीं कि आज फ़ोन करके दाखा रे निका कैसी है मेरी तो रे बेटिया हम कहा तुम्हार हाल चाल का नहीं मारे दीदी हाल चाल बढ़िया है और सब ठीक रहा था घर में हम कहा दीदी कोई जीना पड़ते आ रहा हम कहा कि जीना पड़ते आ रहा कोई खाना ना खाना हो तो तो खाना दे दो जाए कहे नहीं दीदी कोई जोर दिया रहा इतने महिया मोबाइल उनके और कोई छिना कहीं स्विच ऑफ कर घटना दिन है गए। गए? ये मंगल के वार्ता है फिर उसके बाद क्या हुआ फिर हमने स्विच ऑफ हम फोन किन फिर स्विच ऑफ आवे फिर एकदम फोन कीन हमें दिमाग पलटा की मतलब इनके ससुर थी फोन कि रेनिका मेरी आज गुस्सा है का तो रेनिका तीर फोन की तो उनके ससुर तिर तो ससुर उठाए नहीं दो नहीं तीन दिन कॉले किन फिर एकदम तू उठा ली नहीं तो छुटते बोले कि तुम्हें तो रेनिका कुछ मतलब वो ख़त्म हो चुकी है फिर तो उनका कैसे उनके ससुर तो पहले बात भाई तो ने आपसे फोन पे बताया हाँ कही खत्म हो चुकी है तो उनका कैसे का कर दिन बस कल हम लेके जा रहे हैं तो हमका लेके जा रहे हैं रुक जाओ वही हम फोन करें घर सब लोग आ रहे हैं

क्या घटना हुई है घटना यही बिटिया के कथनानुसार जो बिटिया बता रही कि साढ़े ग्यारह बजे तक वार्ता हुई उसके बाद उन्होंने फोन जो का, रहने का है, उसके है जी हाँ जी। हुई है तब से इनको कष्ट देते थे ठीक दूसरी बात ये रही कि इन्होंने जब से पहली बार इन्होंने जेवर भेजा मैंने वो दूसरी बार उतार लिया फिर उन्होंने ये किया कि जेवर अगर तुमको शौक है तो अपनी बिटिया करके बनवा करके बैठाइए दूसरी बात भैंस दीजिए हाँ। बुलेट गाड़ी दीजिए इस ना इसको ये, ये लखपत नाम है लखपत अ... मतलब बिटिया के ससुर ठीक अच्छा। और तो उन्होंने कहा कि अगर देते नहीं तुमको उसको रखेंगे नहीं मार डालेंगे अभी दीवारी पहले कम से कम छः या सात दिन पहले तो गई थी उसके बाद में कोई सोचना नहीं मिली सोचना मिलने के बाद में हमको आज तक इतनी घने गला दबा कर मार डाला तो अभी तक कोई सोचना आज तीसरा दिन है अभी कोई सोचना नहीं मिली जो भी कारण हो जिस वजह से ये लड़की खत्म हो गई लेकिन उसके बाद में वहाँ के लोगों ने ये मिट्टी क्यों खुद क्यों नहीं लिया आपको क्यों दे दी हम वहाँ कोई लेने वाला था नहीं वहाँ वहाँ कोई लेने वाला था नहीं वहाँ ने पुलिस ने कहा खत्म है ये खत्म लच्छीपुर लच्छीपुर मल्लावा लच्छीपुर मल्लावा घर में खत्म हुए।, हुए हम जब गए तो नीचे डाले पड़े थे हाँ दूसरे बार जब वहाँ गए पुलिस मेरे पर दबिश्त की पूरा फोर कुतवाल ये सो सब वहाँ थे सीओ घाला थे वहाँ गाड़ी उनका मामला बिल्कुल बांध छोड़ करके फिट रखा उन्होंने जब वहाँ धकियाने धुकने कर फिर उसने बाद पोस्टमार्टम कर दिया उन्होंने जबरदस्ती समझो उसके बाद में हमने एनसीआर दी एनसीआर देने के बाद में फिर जब पोस्टमार्टम और गाड़ी जब लोडर पर गाड़ी ला दी गई तो हमारे भाई को धक्का मार के के इसके यहाँ से ले जाओ या तुमको मारेंगे अभी ये किसने किया ये मैंने फोर्स लें फोर्स जो पुलिस बल था वहाँ हाँ वही उसी ने किया जब उसने किया फिर वहाँ गए जा करके वहाँ फिर वहाँ मलावा पुलिस ने मल्लावा की पुलिस ठीक है फिर उसके बाद में वहाँ निशान देखे गए सब गला दबा कर मारे गए उससे नाखून आज भी पड़े हैं अभी देख देख लीजिए या साहब अच्छा किया उसको गया, मारा गया जिसके जगह पर सीधे पर निशान महा निशान बड़े हैं नाखून के और गले दबाने के दूसरी बात यह है राहुल और मतलब रेनिका के पत्नी पति राहुल और लखपत उनकी बिटिया और राहुल मम्मी इन्होंने मारा उनको गला दबा कर ये जो बच्ची रेनिका जिसके साथ जो कभी पीड़िता थी और उसके बाद में ये इस तरीके से दर्दनाक घटना हुई और आज उसे अपनी जान गंवानी पड़ी आप उस बच्ची के पिता हैं जी आपको सूचना कैसे मिली थी कि सूचना ये मिली हमारी बिटिया से पहले बात हुई थी हाँ। वो पहले बता चुके हैं आपको तो आज जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जब गए तो जैसे कुछ दस पाँच मिनट घंटा दो घंटा तो हो जाते हैं हाँ। उसके बाद में जब पहुंचे तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी हाँ। पुलिस फोर्स था पूरा सीओ घाला थे, हाँ। थे तो वहाँ जब पहुँचे उचे तो हम का हाल चाल पूछे इधर उधर क्या कैसे का मैटर हुआ हाँ। जब वहाँ पहुंचे तो इधर उधर मोहल्लो वालों ने यही कहा एक घंटे पहले खाना बनाती थी नहीं बनाया खा बड़ा खाना बनाया खाया उसके बाद में क्या विवाद हुआ यह समझ नहीं मिला इन्होंने कैसे घराई लड़ाई हुई उसके बाद इन्होंने बाद में मार कर मार डाला उसके बाद में चिल्लाने लगे यही घटना हुई मेरी बिटिया रेनिका वहाँ तो के चश्मदीद लोगों ने गांव के लोगों ने बताया यही हाँ यही कहा कि इन्होंने अभी मार डाला है एक नहीं हाँ एक घंटे के अंदर मौत हो गई इसकी गला दबाकर मार डाला घरबल ने चार लोगों ने गांव के लोगों ने बताया कि इसको मारा गया है और पुलिस वहाँ की इस बात को स्वीकार करने के की पुलिस कोई सोचना पुलिस हमको धमका रही था धमका रही रही थी क्या धमका रही थी धमका रही रही की आप इसको साइन करिए पंचनामा करिए हमने कहा बगैर अगर समझे बुझे कुछ नहीं करेंगे आपने एप्लीकेशन दी है शिकायत की है हाँ दर्ज की है साहब